हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फलों के राजा के रस की रेसिपी, मींस आम रस की रेसिपी, जो कि हर किसी को पसंद होता है, खासतौर पर बच्चों को। तो आइए अब बिना कोई देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आम रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े आम लिए हैं। अब सबसे पहले हम इन आम को अच्छे से वॉश कर लेंगे, जो कि मैंने कर लिया है। अब मैंने इन आम का पल्प निकालना है। पल्प निकालने के लिए इस तरह से हम ऊपर का हिस्सा जो है वो निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरह से नाइफ की हेल्प से उसे कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से कट करने के बाद हमें नाइफ की हेल्प से इस तरह से बीच में स्क्वायर चेक्स बनाना है। इस तरह से कट लगाना है ताकि इजीली इसका पल्प जो है निकल सके। इस तरह से स्पून की हेल्प से नाइफ से कट लगाने के बाद हम इजीली इसका पल्प निकाल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसका पल्प निकल रहा है। बस इसी तरह से हम दोनों आम का पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों आम का पल्प निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। जार में डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। एक आम के साथ हमें एक चम्मच चीनी डालनी है। मैंने यहाँ पर दो चम्मच चीनी ऐड की है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो आम लिए हैं और एक कप दूध लिया है। आप यहाँ पर दूध कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूध लिया है अच्छी तरह ठंडा होने के बाद। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स। आप यहाँ पर आइस क्यूब की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त मैंने इसमें लगभग 2 कप के करीब पानी ऐड किया था, ठंडा पानी। आप आमरस की थिकनेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको और लिक्विड चाहिए तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी और बढ़ा दें। मुझे गाढ़ा चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी कम ही ऐड किया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी हर रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे अदर रेसिपीज़ के लिंक भी आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर भी मेरी अदर रेसिपीज़ देख सकते हैं। अब आप भी ये आम रस की रेसिपी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।